हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को व्हाट्सएप के बारे में ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ जो सुन के आप हैरान रह जाओगे। आप तो हमेशा बिजी रहते हो, कभी आपको कोई फ्रेंड आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया तो आपको उसको मैसेज का रिप्लाई करने के लिए टाइम नहीं होता है। इसके लिए आपको एक असिस्टेंट ही हेल्प कर देगा। आपका असिस्टेंट जो है वो एक असिस्टेंट की तरह काम करेगा, आपका मैसेज का ऑटो रिप्लाई कर देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है ऑटो स्पॉन्डर। यह ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसको एक परमिशन मांगेगा, परमिशन दे देना है। उसके बाद आप इधर से प्लस आइकन से इधर कोई भी, मान लो मैं हाई का रिप्लाई देना चाहता हूँ तो हाई लिख लीजिए। उसके बाद इधर क्लिक कर दीजिए। ये मेरा हो गया, सॉरी ये नहीं होगा, मैं दूसरा कोई मैं बाय लिखता हूँ, बाय का रिप्लाई देना चाहता हूँ तो बाय लिख लिया। ये कुछ ऐड दिखाएगा, इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो इधर से। सॉरी दोस्तों, वो स्टेप मिस हो गया। तो मैं कॉल मी का रिप्लाई देना चाहता हूँ, कॉल मी लिखना पड़ेगा। इधर लिखने के बाद इधर राइट बटन पर क्लिक करना है। इसके बदले में क्या आंसर देना चाहता हूँ, कॉल मी लेटर, कॉल यू लेटर, ये लिख दिया। लिखने के बाद मैं इसको डन कर देता हूँ। इसको ऐड दिखाएगा, ऐड को स्किप कर देता हूँ। अब देखिए, मैं दूसरे मोबाइल से, ये मेरा दूसरा मोबाइल है, इससे इससे मैं मैसेज करता हूँ, कॉल में लिख रहा हूँ सी ए। देखिए दोस्तों, गौर से देखिए, मैं इस मोबाइल पर कोई टच भी नहीं किया, ठीक है, ऑटोमेटिक रिप्ले हो गया। वाई मैं इसको सेट कर रखा था पहले, ऑटोमेटिक सेट हो गया। और भी मैं कुछ सेव कर चुका हूँ, आप देख लीजिए। जैसे मैं हाई के बदले में हेलो सेव कर चुका हूँ, हेलो आ गया। मैं इस मोबाइल पर टच भी नहीं किया। मैं हाउ आर यू लिखता हूँ, देखिए इस मोबाइल पर मैं टच भी नहीं किया, मैसेज का नोटिफिकेशन आया, ऑटोमेटिक मैसेज का रिप्लाई सेंड हो गया इस मोबाइल पर। तो इस ऐप को आप यूज़ करके आपका जो मैसेज है वो ऑटोमेटिक सेंड कर सकते हो अपने लोगों के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हेल्पफुल लगा तो दूसरे के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नए दूसरे नए वीडियो में।